एनजीटी में दर्ज याचिका की सुनवाई के बाद लक्ष्मी ताल को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश का पालन कराने पहुंचे पुलिस और जिला प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन ने 29 दिसंबर को मंदिर मस्जिद के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। फिलहाल अभी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर इस अतिक्रमण को लेकर भ्रामक चर्चाएं फैलाई जा रही हैं, जिससे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा सके। अधिकरण में गिरिजा शंकर व नरेंद्र कुशवाहा बनाम स्टेट ऑफ यूपी के विरुद्ध याचिका दर्ज कराकर झांसी शहर के लक्ष्मी ताल के चारों ओर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने की मांग की थी, जिस पर एनजीटी ने 14 सितंबर को सुनवाई करते हुए लक्ष्मी ताल के सौंदर्यकरण के लिए पास फैले अतिक्रमण को मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए गुरुवार को नगर निगम संपत्ति विभाग ने नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण को हटाने की सूचना दी। आज नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की भारी फोर्स अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे, जहां पहले से दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग मौजूद और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे प्रशासन को रोकते हुए जमकर विरोध किया। भारी विरोध को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ, सिटी दोनों पक्षों से वार्तालाप कर मामले का निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मौके पर शहर कोतवाली, नवाबाद, सदर बाजार, सिपरी बाजार सहित कई थानों का पुलिस फोर्स और पीएससी तैनात कर दिया गया है। जो आप पहुंचे यहाँ पे, नीचे करो आईडी, नीचे करो आईडी। इसमें माननीय एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इसमें आदेश है, जो हमारा लक्ष्मी ताल है, जो उसका मेन जो पूरा का पूरा रकबा है उसको पूर्ण करने के उसमें, यानी उसके क्षेत्र में जो अतिक्रमण है उसको संबंध में हटाने के जो है जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इसीलिए आज पूरी नगर निगम की टीम और बाकी जितने भी सभी अधिकारी हैं वो यहाँ पे पूरा का पूरा सब लोग आए हैं, ताकि वो जगह देख करके उसमें जो माननीय न्यायालय की जो कार्रवाई चाहिए उसके अनुसार जो है वो कदम उठाया जा सके। आपने सर क्या देखा अभी, आपने बात की? अभी अभी हम लोगों ने सब जगह पे इसमें निरीक्षण किया है और जो जो पूरे के पूरे सबको नोटिस तामीला किए हैं, और नोटिस तामीला करने के बाद में उन्होंने बताया है कि उनके पास में भी उनके कुछ पेपर्स हैं, तो उस पेपर्स के द्वारा वो अपने नोटिसों के जो अपने जवाब हैं वो हमारे को देंगे। इसमें क्या कोई शिकायत की गई थी क्या किसी के द्वारा? इसमें एनजीटी का आदेश है, माननीय एनजीटी का आदेश है। कॉग्निजेंस में है कि या कोई शिकायत? नहीं, एनजीटी का आदेश है, एनजीटी माननीय एनजीटी के द्वारा ये आदेश दिया गया है। क्योंकि देखिए, तालाब हो या हमारी कोई भी प्राकृतिक संपदा हो, उसको संरक्षण करना माननीय एनजीटी का धरोहर, और वो हम लोग सबका भी दायित्व इसमें रहता है, ताकि चाहे तालाब हो, पोखर हो, पहाड़ हो, तो उसी के संदर्भ में ये आदेश दिया गया है कि जो लक्ष्मी ताल का जो पूरा रकबा है उस रकबे के अंदर जो भी अतिक्रमण के संबंध में चीजें हैं उनको पूरी में कार्रवाई करके उसकी कंप्लाइंस जो है वो भेजी जाए। इसके लेकिन भी जाएंगे कि केवल यही जो धार्मिक स्थल है? अभी अभी वर्तमान में जो हमारे पास में एनजीटी का आदेश है उसके संदर्भ में जो हम लोगों ने नोटिस जारी किए हैं माननीय नगर निगम के द्वारा, एनजीटी के संदर्भ में माननीय नगर निगम द्वारा जो नोटिस जारी किए गए हैं उसके कंप्लायंस में हम लोग ये। सर, आप देसी मशीन लेके आए थे, उसमें क्या निर्णय लिए थे? नहीं, निर्णय कोई इसमें नहीं है। अभी जो नोटिस जारी किए हैं उसके उन्होंने बताया है, वार्ता की गई तो उन्होंने बताया हमारे पास भी कुछ कागज हैं जिसको संदर्भ में हम लोग अपना प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वो अपना प्रस्तुत करेंगे। कितना समय दिया गया है? अभी हम लोगों ने वर्तमान में उन्होंने को जो भी कागज, क्योंकि उनको तहसील से और बाकी जगह से भी लेकर के आने हैं, तो उनको हमने समय दिया है, तो वो ताकि समय लेकर के अपना कागज प्रस्तुत करें। कितना समय सर दिया? अभी वर्तमान में हमने एक सप्ताह का समय, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी उसमें जो भी कागज देख करके जो भी देखिए माननीय एनजीटी के जो आदेश है उसके ही कंप्लायंस हम लोग को इसमें करनी है। झांसी से गोलू महाराज के साथ धीरज शिवारी की रिपोर्ट।